पूर्णिया के मरंगा टेक्निकल कॉलेज के समीप बियाडा परिसर में मान्यता प्राप्त स्वदेशी बीएड कॉलेज खोला गया है, जहां बीएड करने वाले छात्र छात्राओं को किफायती फी पर आसानी से बीएड का कोर्स करवाया जा रहा है। बताया जाता है कि कॉलेज ईआरसी एनसीटीई भुवनेश्वर से मान्यता प्राप्त है और पूर्णिया में बीएड कॉलेज की जरूरत को देखते हुए खास तौर से यहां खोला गया है, जहां छात्र छात्राओं के लिए बेहतरीन प्रैक्टिकल एवं आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराया गया है। कॉलेज के निदेशक ने बताया कि छात्रों को क्वालिटी पूर्ण शिक्षा देना उनका मुख्य उद्देश्य है, ताकि यहां से पास आउट छात्र बेहतरीन प्रदर्शन कर कॉलेज एवं देश का नाम रोशन कर सके। बिहार में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है, अच्छे शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है, जिन्हें की जिन्होंने प्रॉपर किसी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से बीएड किया हुआ हो। अभी भी जैसे आपको पता होगा, कई के शिक्षकों की जांच चल रही है, 300 साढ़े 300 लकी डिग्रियों के बेसिस पे उन्होंने जॉब वगैरह ली है, है? तो हम चाहते थे कि एक ऐसा कॉलेज खोला जाए जिस जो कि सरकार द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के द्वारा अप्रूव होके विद्यार्थियों को प्रॉपर बीएड की डिग्री दिलवा सके, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दिला सके। इस पर्पज से हमने पूर्णिया बिहार में यहाँ ये कॉलेज खोला है। बीएड की क्वालिफिकेशन किसी भी टीचर की बहाली के लिए, किसी भी शिक्षक की बहाली के लिए दिस इज ए मस्ट क्वालिफिकेशन। हमें वैसे तो हमारे कॉलेज यूपी में भी चल रहे हैं, राजस्थान में भी चल रहा है, दिल्ली में भी हमारा हेड ऑफिस है, पर चूंकि मेरा जन्म स्थान बिहार रहा हुआ है, तो मैं वैसे तो बिहार से अभी शिफ्ट कर गया हूँ, कई साल हो गए हैं, पर मेरी इनिशियल एजुकेशन जितनी है, मेरे परिवार की पूरी इनिशियल एजुकेशन वगैरह जितनी थी, वो सब बिहार की रही हुई है। तो मैं इन रिटर्न अपने स्टेट को कुछ ना कुछ देना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ कि मैं अब अगर मैं इस सामर्थ्य बन गया हूँ कि मैं बाहर जाके बाहर वालों को शिक्षा दे रहा हूँ, तो मेरा अपने राज्य के लिए भी कुछ कर्तव्य बनता है। मैं इसी पर्पस स्पेशली के लिए पूर्णिया आया हूँ, ताकि बिहार के स्टूडेंट को, बिहार के जो छात्र हैं उनको कुछ फायदा। मैंने जयपुर का भी स्टैंडर्ड देखा हुआ है, राजस्थान का भी स्टैंडर्ड देखा हुआ है, यूपी का भी स्टैंडर्ड देखा हुआ है, दिल्ली का भी स्टैंडर्ड देखा हुआ है, तो मैं अगर बिहार को इन चारों स्टेट में मानूं, तो मैं दिल्ली के बाद बिहार को मानूंगा, फिर यूपी को मानूंगा, फिर राजस्थान को मानूंगा, क्योंकि मैंने सब जगह का स्टैंडर्ड देखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिहार का, यह है कि थोड़ा बिहार के जो स्टूडेंट हैं इनको सही मार्गदर्शन नहीं हो पाता है। तो भी विद्यार्थी अगर इनको प्रॉपर मार्गदर्शन देखिए, तो जितनी भी आप, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में जितने भी IAS हैं, IPS हैं, जितने भी अच्छे बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, सब मैं देखता हूँ कि बिहार के। तो छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, आपको उनकी प्रतिभा को ठीक से दिखाना। विद्यार्थियों को सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि जिस भी कॉलेज में, जिस भी संस्थान में एडमिशन ली, वेबसाइट, आजकल तो मतलब हर चीज़ वेबसाइट पे उपलब्ध है। पहले या अगर इंजीनियरिंग में ले रहे हैं तो AICTE की वेबसाइट में देखें, MBBS में ले रहे हैं, MCI की वेबसाइट में देखें, टीचर्स के बीएड वगैरह के कोर्स में ले रहे हैं तो NCT की वेबसाइट में देखें, हर चीज़ तो ऑनलाइन उपलब्ध है। तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से वेरीफाई करके, जांच करके तब दाखिला लें NCT के मानकों के हिसाब से। हमारे पास जितनी भी प्रैक्टिकल्स वगैरह है, आर्ट एंड क्राफ्ट लैब है, साइंस लैब है, ये सब जो NCT के मानकों के हिसाब से है, वो तो सारे हमारे पास है, क्योंकि बिना NCT की इंस्पेक्शन के और उनको द्वारा मान्यता किए हुए कोई बीएड कॉलेज प्रारंभ नहीं कर सकता है। अदर देन डैट, हमने छात्रावास की सुविधा भी बच्चों के लिए दी हुई है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी हम प्रोवाइड करने की प्लानिंग कर रहे हैं PSC के छात्रों को, और को सरकार की तरफ से वजीफा भी दिया जाता है, वो एज पर द गवर्नमेंट रूल है। सर, STSC के छात्रों को वैसे तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% है, पर STSC के छात्रों को सरकार की तरफ से 45% के
की छूट दी गई है कि 5% कम वाले भी दाखिले में आ सकते। ग्रेजुएट में उसके ग्रेजुएशन में उसकी 50% से कम है और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसके 50% से ज़्यादा है, देन ही कैन अप्लाई।